अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों, आज के टॉपिक है कुर्बानी के मसले। कुर्बानी करीब है, इंडिया में 17 जून को कुर्बानी है इंशाअल्लाह। तो उसी के मसले से कुछ सवाल हैं जो कमेंट में आते हैं कि कुर्बानी क्या है, क्यों मनाई जाती है कुर्बानी। ये आज की टॉपिक है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपका नाजीज़, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद हसन रज़ा रिज़वी, मेरे इस्लामिक चैनल पे इसी तरह की इस्लाम की बातें, दीन और मनकबत मिलती रहती है। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कुर्बानी क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबा करीब आते हैं और फरमाते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुर्बानी क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कुर्बानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हमारे बाप हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है माशाअल्लाह। आगे इरशाद फरमाते हैं सहाबा करीम कि इससे फ़ायदा क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि हर एक बाल के बदले एक नेकी मिलती है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर आप जब कुर्बानी करते हैं एक जानवर के शरीर पर कितने बाल होते हैं। तो अगर आप काउंट करते हैं तो काउंट करना भी गवारा नहीं होता, क्योंकि कितना अनगिनत बाल होते हैं, उस एक एक बाल के बदले आपको नेकी मिलती है, नेकी अता फरमाती है। आगे कुरान में भी इन्ना आतैना कल कौसर, जो 30-12 की सूरह है, उसमें भी इरशाद फरमाते हैं कि अपने रब के लिए कुर्बानी करें और नमाज अदा करें। नमाज तो ऐसे ही मोमिन पे फ़र्ज है, तो इसीलिए ये दो बात है, इन्ना आतैना कल कौसर फसल रब्बी का वनहर, अपने रब के लिए कुर्बानी करें और नमाज अदा करें। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें ताकि इसी तरह की वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते अगले वीडियो में। अगला वीडियो होगा कि कुर्बानी के गोश्त को कितने हिस्सों में तकसीम करें और किन किन लोगों को बांटें, इस पर अगला वीडियो होगा। तो मिलते हैं अगला वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। जज़ाकल्लाहु खैर। अपना ख्याल रखिएगा।